ये मान लें कि i की वैल्यू 1 है, j की 2 है, k की 3 है, m की 4 2 है, तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स क्या करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट है आई इज इक्वल्स टू वन, आई डबल इक्वल टू वन, यहाँ ये लॉजिकल स्टेटमेंट बन गए हैं। आई डबल इक्वल मतलब वन, मतलब आई की वैल्यू यदि 1 है तो ये ट्रू है, एल्स फॉल्स है। ट्रू मीन्स ये 1 है, फॉल्स मीन्स 0 है। आई की को हम इस तरह से इनको देखना है, तो हम सभी वेरिएबल्स को कंपेरिजन करके जिस तरह से ट्रू मीन्स 1 या फॉल्स मीन्स 0 जैसे बन रहा है वैसे देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आई डबल इक्वल 1 है, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ 1 लिया है, आई डबल इक्वल 1 ट्रू होगा, इसका मतलब ये 1 प्रिंट करेगा। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें जे डबल इक्वल 3 लिखा है, जे की वैल्यू 2 है और जे डबल इक्वल 3 मीन्स जे की वैल्यू 3, ये फॉल्स है, मतलब 0 प्रिंट करेगा। थर्ड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ट्रू होगा। जे लेस देन 4, जे की वैल्यू 2 है, जो लेस देन 4 मीन्स ट्रू है, एंड ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है मीन्स आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट ये एम लेस देन इक्वल टू 99, यहाँ लेस देन और इक्वल टू के बीच में एक स्पेस आ गया है, ये इस लाइन में मिस्टेक है, यहाँ स्पेस नहीं आना चाहिए, ये मिस्टेक सुधारने पर, ये गलती सुधारने पर ये स्टेटमेंट इस तरह से हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। एम लेस देन इक्वल टू 99, एम की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल टू 99 ट्रू होगा। के लेस देन एम, के की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है, के लेस देन एम फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, इसलिए ये 0 प्रिंट करेगा। आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3 एंड एम इक्वल टू 2, इसमें जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे ग्रेटर देन आई ट्रू होगा। के इक्वल टू एम, के 3 है, एम 2 है, तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, इसलिए इसका आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसमें के प्लस एम लेस देन जे, के की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 5 लेस देन जे, जे की वैल्यू 2 है, 5 लेस देन जे 0 फॉल्स होगा, क्योंकि 5 लेस देन 2 नहीं होता। और 3 माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, 3 माइनस जे, जे की वैल्यू 2 है तो 3 माइनस जे हो जाएगा 1, वो के की वैल्यू 2 है तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स होगा, दोनों ही फॉल्स हैं, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, इसलिए आउटपुट 0 होगा। नॉट एम यदि किस कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसको ट्रू माना जाता है, एम की वैल्यू 2 है तो वो ट्रू है, नॉट लगाने पर वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 प्रिंट होगा। नॉट जे माइनस एम, जे की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है, जे माइनस एम 0 होगा और नॉट 0 1 होगा, इस ट्रू होगा, इसलिए ये 1 प्रिंट करेगा। जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, जे 2 है, आई 1 है, तो जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई मतलब 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो कि ट्रू है। के इज इक्वल्स टू एम, के 3 है, एम 2 है, तो के इक्वल टू एम फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू होगा, ए ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, इसलिए ये 1 प्रिंट करेगा। के प्लस एम लेस देन जे, के 3 है, एम 2 है, 3 प्लस 2 5, जे 2 है, 5 लेस देन 2 फॉल्स है। 3 माइनस जे, 3, जे की वैल्यू 2 है, 3 माइनस जे 1 होगा और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के की वैल्यू 3 है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स मीन्स 0 प्रिंट करेगा। ये हम देख चुके हैं। के ग्रेटर देन एम, नॉट के ग्रेटर देन एम, के 3 है, एम 2 है, 3 ग्रेटर देन एम ट्रू है और नॉट लगते ही वो फॉल्स हो गया, मीन्स ये 0 प्रिंट करेगा। नॉट जे ग्रेटर देन के, जे 2 है, के 3 है, जे ग्रेटर देन के फॉल्स है, तो नोट जे ग्रेटर देन के ट्रू हो गया, इसका मतलब ये 1 प्रिंट करेगा। देख लेते हैं प्रोग्राम में लिख के, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं 1 बाय 1।
इसमें पहले जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट पहले सबको इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, एम इक्वल टू टू, बाद में प्रिंट किया है, ये वैल्यूज प्रिंट कर दी। बाद में प्रिंट स्टेटमेंट में पहले -25s मतलब लेफ्ट अलाइन एक स्ट्रिंग प्रिंट करें 25 करेक्टर्स में, और जो भी स्ट्रिंग हम कंपैरिजन के लिए स्ट्रिंग काम में ले रहे हैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद में उसकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट कर रहे हैं, और इस तरह से सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं। इसे जूम करके देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, सेकंड स्टेटमेंट आ गया, थर्ड स्टेटमेंट आ गया, फोर्थ स्टेटमेंट आ गया, एंड सो ऑन, ये सारे स्टेटमेंट आ गए हैं। हम इनको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, gcc-o example, अब रन करके देखें तो ये आ गया, इनिशियली सब वैल्यूज को प्रिंट किया था, i इक्वल टू वन ट्रू है, वन प्रिंट हो रहा है, j इक्वल टू थ्री ट्रू है, ये फॉल्स है, जीरो प्रिंट हो रहा है, i ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू ट्रू है, j लेस देन फोर ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू प्रिंट मतलब वन प्रिंट हो रहा है, m लेस देन इक्वल टू 99 ट्रू है, k लेस देन m फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाता है, जीरो प्रिंट हो गया, j ग्रेटर देन i ट्रू है, k इक्वल टू m फॉल्स है, j ग्रेटर देन तो ट्रू है और फॉल्स ट्रू है मतलब वन प्रिंट हो गया, k प्लस m लेस देन j फॉल्स है, 3-j ग्रेटर देन और इक्वल टू k ये भी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स तो जीरो प्रिंट हो गया, नॉट m, m नॉन जीरो मतलब ट्रू है, नॉट m फॉल्स हो गया तो जीरो प्रिंट हो गया, j माइनस m जीरो है तो नॉट जीरो ट्रू हो गया, वन प्रिंट हो गया, k ग्रेटर देन m ट्रू है तो नॉट के ग्रेटर देन एम फॉल्स हो गया, जीरो प्रिंट हो गया, जे ग्रेटर देन के फॉल्स है, और यहाँ नॉट प्रिंट करना भूल गया वो वन हो जाएगा। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पाई की एक सीरीज बनानी है जो पाई जिससे पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। पाई की सीरीज किस तरह से बनाएं तो एक मेथड यहाँ काम में लिया है जिसमें हम जानते हैं कि 1/(1+x)² का इंटीग्रेशन करें तो वो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसके अलावा हम एक्सपेंशन देखें तो 1/(1+x)² का टेलर सीरीज एक्सपेंशन 1-x² + x^4 - x^6 + x^8 एंड सोन एट x इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ ये x^10 है। यदि इस सीरीज का इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, x^2 / x^3, x^4 / x^5 / 5, x^6 / x^7 / 7 एंड सोन, एक सीरीज बन जाती है। एक सिंपली जो इनिशियल इंटीग्रेशन था वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इक्वल टू हमें मिलता है x-x^3 + x^5 / 5 - x^7 / 7 + x^9 - x^11 / 11 एंड सो ऑन। यदि हम x इक्वल टू जीरो रखें तो सीरीज बन टेन लेफ्ट साइड में मिलता है टेन इनवर्स जीरो प्लस सी, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, और राइट साइड में सारी वैल्यूज जीरो हो जाती हैं क्योंकि x इक्वल टू जीरो x सब में है तो x इक्वल टू जीरो पर जीरो हो जाती हैं, तो इससे हमें मिलता है c इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू जीरो मिल जाती है। c यदि जीरो है तो ये सीरीज बन जाती है टेन इनवर्स x इक्वल टू x-x^3 + x^5 / 5 - x^7 / 7 + x^9 - x^11 / 11 प्लस एंड सो ऑन। यदि इसमें x इक्वल टू वन रखें तो टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है, और यदि पाई बाई फोर इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड में वन लिख दें तो सीरीज बन जाती है 1-1/3 + 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन। तो हमें पाई इक्वल टू मिलता है 4-4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + 4/13 एंड सो ऑन। तो ये पाई की सीरीज हो गई है। इस सीरीज को यूज करते हुए हमें पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसके लिए एक लूप लगा लेते हैं।
अच्छा, इसमें साथ में ये भी करना है, पाई की वैल्यू जैसे थ्री ऑलमोस्ट 3.14159 26 होती है, तो ये 3.14 कब बनता है, 3.141 कब बनता है, 3.1415 कब बनता है, 3.14159 कब बनता है, तो वो कब बनते हैं वो नंबर भी काउंट करना है। तो इनिशियली हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, और एक बड़ा नंबर लिख दिया काउंटर आई के साथ कंडीशन में, तब तक ये लूप चलता रहे। एक ट्रम नाम का वेरिएबल काम में लिया है जो माइनस ट्रम, मतलब वो सिर्फ साइन चेंज करता है, और सम में ट्रम अपॉन 2i+1 ऐड कर दिया है। फिर चेक कर रहे हैं कि सम मल्टीप्लाइड बाई 100 यदि 314 के इक्वल है तो फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। प्रिंट कर देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ स्टेप्स हो गई हैं। यहाँ एक और वेरिएबल लिया जे इक्वल टू जीरो, जिसको इनिशियलाइज भी कर दिया जे इक्वल टू जीरो से, क्योंकि एक बार ये स्टेप मिल गई उसके बाद हमें ये स्टेप रिपीटेटिवली प्रिंट नहीं करनी है, क्योंकि आगे के स्टेप्स में पाई की वैल्यू 3.14 से ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसलिए हम जे को इंक्रीज कर देते हैं और जे जीरो नहीं रहता। बाद में हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, यदि जे वन है तो सम को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें और चेक कर लें। इस तरह से हम ये चेक कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, और 1,000,000 इटरेशंस मतलब 10,00,000 इटरेशंस के बाद में पाई की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट कर प्रिंट कर देते हैं। एग्जांपल लेके देखें, तो ये जो प्रोग्राम लिखा था उसी को लिख रखा है। पहले इसको देखते हैं, हाँ ये पूरा प्रोग्राम एक साथ दिखाई दे रहा है। फॉर लूप स्टार्ट किया, ट्रम इक्वल टू माइनस ट्रम, सम में ट्रम अपॉन 2i+1 को ऐड कर दिया, बाद में सारी वैल्यूज की कंपैरिजन की कंडीशंस लगा दी। इसको जूम करके देख सकते हैं, तो ये जूम करने पर बनता है, हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये कंपाइल किया रन किया, तो रन करने पर ये कह रहा है कि 3.14 बनता है 118 स्टेप्स के बाद में, 118 इटरेशंस के बाद में 3.141 बनता है 1696 इटरेशंस के बाद में, 1695 इटरेशन के बाद में 3.1415 बनता है 10,187 इटरेशंस के बाद में, 3.14159 बनता है 1,53,919 इटरेशंस के बाद में, और 1,10,00,000 इटरेशंस के बाद में पाई की वैल्यू हमें मिलती है 3.14159 5।